मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल। आज आपकी क्लास थर्ड के सब्जेक्ट मैथ्स का अपना जो थर्ड चैप्टर चल रहा था सब्ट्रैक्शन, वो कंटिन्यू करते हैं। आज सब्ट्रैक्शन चैप्टर के अपने सेवन क्लास यानी पार्ट सेवन है, ठीक है। देखिए पिछले जो क्लासेस अपन ने की थी सब्ट्रैक्शन को लेकर, उसमें जैसे फोर डिजिट, फाइव सिक्स और भी जो डिजिट के जो अपन ने सब्ट्रैक्शन किए थे मॉर्निंग के साथ में या बिना मॉर्निंग के, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ी थी। अब अपन पढ़ेंगे कि यही जो सब्ट्रैक्शन जो प्रोसेस होती है या जो सब्ट्रैक्शन जो है वो किसकी मदद से किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं मैथ्स के अंदर जिनके अंदर वर्ड्स की फॉर्मेशन के वर्ड फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। यानी जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अंदर क्या होंगे, काफी सारे वर्ड होंगे, एक लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज को आपको समझना है, ठीक है। एक वर्ड फॉर्मेट में आपको एक पूरी एक इंसिडेंस बताया जाएगा, ठीक है, ये हुआ ऐसे हुआ और आपको ये निकालना है, आपको ये चीजें दी गई है इस वजह से ये पता करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वर्ड प्रॉब्लम होती है इसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक पूरी सीक्वेंस होती है, सेंटेंसेस होते हैं, पूरी मीनिंग निकलती है उसकी, ठीक है। वहां से आपको एक जो इनपुट चाहिए होते हैं वो निकालने होते हैं और जो आपसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट निकालना होता है, आंसर निकालना होता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। यानी शॉर्ट डेफिनेशन इसकी क्या होगी, प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो वर्ड्स के फॉर्म में होती है बट सॉल्व मैथमेटिकली, ठीक है, और इसको सॉल्व किया जाता है मैथमेटिकली, यानी मैथ्स की जो भी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जो भी आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या जो भी आपको उसमें लगाना होता है उसके अकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए एक एग्जाम्पल दे रखे आपके बुक के अंदर, ठीक है। आज से ऊपर इस एग्जाम्पल को और प्रॉब्लम जो क्या होती है उसको अच्छे से समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लास के अंदर। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो अपने को एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या दिया हुआ है, पोल्ट्री फॉर्म क्या होता है, तो आपको एक ही चीज का मीनिंग पहले पता होना चाहिए, ठीक है। जो इंग्लिश में इसका मीनिंग निकलता है हिंदी में वो भी पता होना चाहिए, प्लस जो आपको टर्म्स वगैरह इसके अंदर जो भी आपको फिगर्स दिए हैं वो भी आपको रिकग्नाइज होना चाहिए, ठीक है, कि आपको किस प्रकार से इसको अप्रोच करना है और किस प्रकार से इसको फॉर्मेट तैयार करके अरेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे हमने वो क्या क्या रिपोर्ट्स में दिए हैं कि एक पोल्ट्री फॉर्म है, पोल्ट्री फॉर्म जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है अंडों के लिए, ठीक है। वहां से 3683 एग्स कलेक्ट किए जाते हैं मॉर्निंग आवर्स, ठीक है, सुबह के टाइम में कलेक्ट किए जाते हैं, उसमें से 2160 एग्स जो है क्या कर जाते हैं सेंड टू द मार्केट, मार्केट में बेच दिए जाते हैं, बाजार में बेच दिए जाते हैं इन आफ्टरनून, यानी दोपहर के समय में, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, मेन क्वेश्चन आपका ये है, एग्स रिमेनिंग इन द फार्म, हाउ मच एग्स आर रिमेनिंग इन द फार्म, यानी फार्म जो है पोल्ट्री फार्म जो है इसके अंदर अब कितने अंडे बचे हुए हैं, ठीक है, कितने रिमेनिंग है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें ये भी लिखते हैं, आप क्या लिखोगे, टोटल एग्स, ठीक है, कलेक्टिव वो कितने थे आपके 3683, ठीक है, कितने अंडे जो है वो आपके कलेक्टिव थे, ठीक है। अब ये मॉर्निंग में थे, अब उसके बाद में मार्केट में कितने बेच दिए गए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट शॉर्ट में उसको यहाँ पे बताना है, मार्केट में भेज रहे हैं 2160, ठीक है। अब 2160 को देखो जितने टोटल थे उसमें से जो भेजेंगे फिर जो बचेगा वही मीनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्स से मीनिंग इन फॉर्म, वो कितना हो जाएगा आपका, इसका माइनस होगा 3-0 कितना होगा 3, 8-6 कितना हो जाएगा 2, 6-1 कितना होगा 5 और 3-2 कितना हो जाएगा 1, यानी 1523 एक्स, ठीक है, एक्स में इन द फॉर्म कितना हो जाएंगे 1528, ठीक है। तो आपने ये कैसे किया था 3683-2160 करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे फाइनल 10-100 रुपये है, ठीक है, एक्स रिमेनिंग, ठीक है, एंड फॉर्म 0-1523, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आपकी एक्सरसाइज है वो अपन नेक्स्ट क्लास में